मनुख दी जीवन धारा रुखी हुई है, पर जे किधरे एक दफा भरोसा बज जाए, मन मन लवे, श्रद्धा पक्की हो जाए, ऐसे जो मनन वाले ने उन्हानु रस्ते विच ठाक नहीं पैंदी, किसे प्रकार दी उन्हानु रस्ते विच रुकावट नहीं आउंदी। नहीं ते ऐसा देख दें, 1,000 मनुख जद कोई धर्म दे मार्ग ते चलदा है तां एक ही पहुंचदा है, बाकी रुक जांदे ने, रुकदे क्यों ने, रुकावट करके। इते कोई चलना ना होया, 1,000 चलन, चलो एक नहीं पहुंचया, स्वाभाविक है ऐसा हो सकता है, पर 1,000 चले ने सिर्फ एक ही पहुंचे है, बाकी सारे रह गए। तो क्या रुकावटां बहुत वड़ियां सन? कतई नहीं, बिल्कुल छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख नूं रोकिया होया है। कोई अपने आलस करके अमृत वेले नहीं उठ सकता, कोई लड़खड़ांदी हुई श्रद्धा करके जप तप नहीं कर सकता, कोई माड़ी मोटी छोटी मोटी बीमारी करके गुरुद्वारे नहीं जा सकता, कोई थोड़ी बहुत आर्थिक औकड़ा करके जप तप नहीं कर सकता, और किसे दा कुछ समाधक तलते बिखाद है जिस करके उसनु अमृत वेले उठना या वाणी पढ़ना औखा हो रहे। इस ढंग नाल अध्ययन करोगे ता एकदम पता चलता है, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख दी जीवन धारा नु रोकिया होया है। हालांकि इति सागर हो सकती सी, पर ये धारा छपड़ी बन के रह जाती है, और ये रुकावटां भी मनुख स्वयं पैदा करता है। जब कोई धारा कोई झरना सागर दे सीने नु चीर के निकलता है, तेजी ते बड़ी होंदी, ओदी रवानी नु देख के एकदम इंज लगदा है बस ये पहुंचया ते पहुंचया। फिर इस नु होर झरनियां दा सहयोग भी मिल जांदा है। वाकई जद कोई मनुख चल पवे मिलदे ने सत्संगे, हर तरह दे सत्संगी आण के मिलदे ने, और उस नाल मनुख दा उत्साह वेग होर वद्दा है, गहराई भी वद्दी। जैसे जुआरियां नू जुआरी आण मिलदे ने, बदमाशां नू बदमाश आण मिलदे ने, शराबियां नू शराबी आण मिलदे ने, और जैसे चोरां नू चोर आ के मिलदे ने, और गुरोह तगड़ा हो जांदा है, वड्डा हो जांदा है। इस तरह सत दे मार्ग ते चलन वाले आनों सत्संगी मिल जांदे हैं। एक ईश्वरी नियम है, और वेग गहरा होंदा है, वेग देच और तेजी आ जांदी है। लेकिन वगदी होई ए धारा अगर रस्ते च कोई चटान आ गई है, टकराई है, टकरांदा होया पानी पिछे भी मुड़दा है। पता नहीं जिंदगी दिच कई दफा छोटियां छोटियां गल्लां ने पाठ करन तो रोकिया होवेगा, गुरुद्वारे जान तो रोकिया होवेगा, जप तप करन तो रोकिया होवेगा, और सिर्फ रोकिया ही नहीं होवेगा, कुछ क्षण लई ते शायद
नास्तिकता भी आण के पैदा होई होवे, जैसे पानी टकरा के पिछे मुड़दा है। पंजाबी दे एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखे है, वहिंदा वगदा पानी तक के दिल मेरा वग टोरिया, डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीज सी उठी जां पत्थरा नल वज्जा, ठेडे ठुडे खाके आखिर पिछा घर नो मुड़िया। पिछे मुड़दे पानी तक के मारी इक किलकारी, ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी दुखां बाज न यारी। पिछे मुड़के पानी नवा रस्ता लभदा है, और समतल जैसे जमीन आउंदी है बहाव दे कुछ ठहराव भी आउंदा है, वो तेजी नहीं रह जाती। शुरू शुरू दे जो तेजी सी वो हुण नहीं, चलते रहे है वो तेजी नहीं रही, क्योंकि जमीन समतल आ गई, अंदर उतना उत्साह नहीं रहा। कई तरह दियां गल्लां ने निराशा पैदा की थी, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे, निराशा भी रुकावट है। कोई परिवार तो निराश हो जाता है, कोई संसार तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई धार्मिक मनुख निरंकार तो भी निराश हो जाता है। ये निराशा उसके सारे वेग नू रोक के रख देंदी है, उदे जप तप नू, उदी ध्यान साधना नू, उदी पाठ पूजा नू, उदे सत्संग नू रोक के रख देंदी। तो ये समझण वाली गल है, कतई पानी दी वगदी हुई महान धारा मुट्ठी भर रेत नाल नहीं रुकदी, बल्कि रेत नूं भी बहा के ले जाएगी या रेत थल्ले बैठ जाएगी। पर जीवन दी धारा बहुत छोटियां छोटियां गल्लां करके रुकी हुई है, और कई दफा ते ऐसी रुकदी है कि चलना ही भुल जाती है, और वो धारा छपड़ी बन के रह जाती है, चिक्कड़ बन के रह जाती है। और इस तरह ये जो सागर हो सकती सी अवसर ये धारा खो देंदी है। ये जीवन जो परम जीवन हो सकता है, परम आनंद हो सकता है, कई दफा छोटियां छोटियां गल्लां करके मामूली जीवन जीवना पै जांदा है, और जिंदगी बेमैनी हो जाती है, फिजूल हो जाती है। जब जी साहब दी इस अगम्मी बाणी विच धन गुरु नानक देव जी महाराज 14वीं पौड़ी विच कह रहे हैं, मन न मार्ग ठाक ना पाए, जो मन लेंदे ने पर मार्ग दे रस्तियां नू रस्ते विच उन्हां नू रोक नहीं पैंदी, मन ने पथ सों परगट जाए। जो परमात्मा नू मन लेंदे हन ओ परमात्मा दे द्वार ते बड़े इज्जत माण दे नाल पहुँचदे ने, उजागर होंदे ने, लोक परलोक विच जस प्राप्त करदे ने, लोक विच सत्संगी उन्हां नू माण देंदे ने, परलोक विच ओ आप सच ओ परमात्मा उन्हां नू गलवकड़ी च लैंदा है, माण बख्शदा है। मन ने मग न चले पंथ, ये पंक्ति अपने आप विच बड़ी सार्थक ते निराली है।
जो परिपूर्ण परमात्मा नूं मन लैंदे हन वो छोटे छोटे पंथां दे मार्ग ते नहीं चलदे, छोटे छोटे रस्तियां ते नहीं चलदे। पंथ दा अर्थ रस्ता है। गुरु नानक देव जी महाराज श्लोक 12 तो वधीक नामक बाणी विच फरमान करदे ने, पंथा प्रेम न जाणई भोली फिरे गवार, नानक हर विसराए के पौंदे नरक अंधार। इंज कह लो, जो परमात्मा नूं मन लैंदा है उस दिच जीवंदा है और सारे ही रस्ते उसे दे हो जांदे ने, उसका कोई इस तरह का रस्ता नहीं आता जिसनों असी एक संपर्दा कह सकते हैं और उसके दायरे विच ही फस के रह जाए, ईर्षालू हो जाए, तंग नज़र हो जाए। कई दफ़ा देखते हैं धार्मिक तो है, सारा कर्म कांड कर रहा है पर ईरखालू बड़ा है, दूसरे नूं बर्दाश्त करना औखा हो रहा है। हैरानगी है, एक साइंटिस्ट भी दूजे साइंटिस्ट नूं बर्दाश्त कर लैंदा है, एक कलाकार दूसरे कलाकार नूं सहन कर लैंदा है, लेकिन इस तरह दे पंथां दे जो है रूपरेखा दे चलण वाले मनुख कई दफा दूसरे नूं इनकार करदे ने। जमीन इन्हां ही मजहबां दी जंग करके कितनी दफा खून नाल रंगी गई है। इस्लाम ते यहूदियां दा लड़ना, यहूदियां ते ईसाइयां दी लड़ाई, बोधी ते हिंदुआं दी लड़ाई, हिंदू ते मुसलमानां दी लड़ाई, मूल रूप दिते ये रस्तियां दी लड़ाई सी। मेरा रस्ता ठीक तेरा गलत, मेरा पंथ ठीक तेरा गलत। और पता नहीं आज तक कितने खून खराबे हो चुके ने और होंदे रहणगे। साहिब कहिंदे ने इस तरह दे पंथ दे उपर चलण वाले मनुख प्रेम नूं नहीं जाणदे और परमात्मा नूं मनण वाले जिहड़े पुरश ने सारे ही रस्ते उन्हां दे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए वाक, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, सारियां जमातां दे नाल चलना ही मेरा पंथ। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। जिस दी उस पार ब्रह्म नाल लिव जुड़ जाती है, जिस दी उस एक नाल लिव जुड़ जाती है, जितने वरन ने जितने बेख ने जितने रस्ते ने वो किसी का भी निंदक नहीं होंदा। सारे परमात्मा दे नाम उसनों प्यारे लगते ने, सारे बेख उसनों प्यारे लगते ने। धार्मिक मनुख दी ते इंज कह लो कसवटी पहचान ही आई है, जब सारा संसार उसनों चंगा लगे, चंगा लगे, प्यारा लगे। ऐ नहीं चंगा ओ पैड़ा है, ओ पैड़ा है, ये ओ लोग ने जो बहुत छोटे छोटे रस्तियां ते चलते ने, शाहराह ते नहीं चले, ओ राजपथ ते नहीं चले, ओ खुले रस्तियां ते नहीं चले। साहिब फरमान करते ने, जो उस परिपूर्ण परमात्मा नू मन लेंदे हन ओ पंथां दे रस्ते ते नहीं चलते। और पंथ कई दफा जिस दे निजी आंग भाव करके बन जाते ने, जैसे इस्लाम ते चलिया मुहम्मद साहब नाल, लेकिन उस दे 72 फिरके बन के रह गए।
फिरका तो इको ही होना चाहिए सी, क्योंकि मुहम्मद साहब एक ने, पैगंबर एक ने, और एक ही फिरका होना चाहिए सी। पर 72 फिरकियां विच इस्लाम वंडिया होया है, और दो ते बहुत वड्डे फिरके ने, शिया ते सुन्नी। इसे तरीके नाल जद हज़रत ईसा एक ने, ते उन्हां दा रस्ता एक होवेगा, पर रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंस ये दो ते हैं, लेकिन पता नहीं कितने अनंत होर फिरके पैदा हो गए ने, अनंत फिरके पैदा हो गए ने। महात्मा बुद्ध ते एक होए, और उन्हां दे चलन दे नाल जो रस्ता बनया, और सब तो पहले उन्हां मनुखां दे चलन नाल रस्ता बनता है जिन्हां दे पैर, जिन्हां दे कदम जमीन ते कुछ निशान छड़ जांदे ने। वाकई कुछ मनुख इस ढंग नाल जीवदे ने कि उन्हां दा जीवना जगत लई प्रेरणा दा बायस बन जांदा है, जमीन दे उत्ते उन्हां दी चाल कदमां दे निशान छोड़ जांदी है। तो महात्मा बुद्ध ते इक, और जिस ढंग नाल ओ चले उन्हां दे कदमां दे निशान नाल इक रस्ता बनया। लेकिन अज बुद्धिस्ट भी सैकड़े फिरकियां विच वंडे हुए ने, तकसीम ने। हिंदू धर्म ते अनंत शाखां विच वंडिया होया है, वख वख इष्ट ने, वख वख जात पात है, वख वख मनोत है, वख वख धारणा है। इसे तरीके नाल भारत दा एक छोटा फिरका जैन मत, जो 24वें तीर्थंकर महावीर दे नाल आरंभ होया, ये भी तीन हिस्सों विच वंडे हुए ने, शितंबरी, पितंबरी, दिगंबरी। साफ लिखे आउंदा है दिगंबर जैन मंदिर, शितंबर जैन मंदिर, और बिल्कुल छोटियां छोटियां गल्लां करके विवाद खड़े होए ने, और महावीर दे नां दे उत्ते इतने रस्ते बन गए, जबकि महावीर एक ने तो उन्हां दा रस्ता एक सी। सिख प्रचारक एक गल हमेशा माण नाल आखदे रहे ने, साडा गुरु एक है, मार्ग एक है, पंथ एक है, पर बदकिस्मती यह है कि सिख जगत भी अच छोटे छोटे जथियां दे च, छोटे छोटे टुकड़ियां दे च बटिया होया है, तकसीम है, और बड़ा वाद विवाद है, छोटियां छोटियां गल्लां करके बड़ियां रंजिशां, विवाद ते झगड़े ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, परमात्मा नू जो मन लैंदा है, और परमात्मा जिन्हां दे मन दा हिस्सा बन जांदा है, ऐसे जिहड़े मनण वाले लोग ने, वह छोटे छोटे फिरकियां दे रस्ते ते नहीं चलदे। उन्हां दा राजपथ हुंदा है, शाहराह हुंदा है, जगत दे सारे रस्ते जो सही रस्ते ने वो उन्हां दे ही हुंदे ने, भाव समस्त नाल प्यार पैदा हो जांदा है, सारे उन्हां नू चंगे लगन लग पैंदे ने। मन्ने धर्म सेती संदबन, मनण वाले दा सीधा ही संबंध परमात्मा नाल हुंदा है, ईश्वर नाल हुंदा है, छोटे छोटे फिरके ते ग्रोहां नाल नहीं। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, परमात्मा दा नाम ऐसा धबियां तो रहत है, कालक तो रहत है, निर्लेप है, जेड़ा भी जान लैंदा है ओही उस आनंद नू मानदा है, लेकिन ओ जना नहीं सकदा, उसका ए अनुभव निजी हुंदा है। मन्ने पावे मोख द्वारे, मन्ने परवारे साधार,
मन्ने तारे तारे गुर सिखे, मन्ने नानक भवे ना भिख। ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन कोए। जो परमात्मा दे नाम नू मन लेंदे ने, उना नू मोक्ष द्वार दी प्राप्ति हो जांदी है। जीवदियां जी ओ जीवन मुक्त हो जांदे ने, भाव कोई भी कर्म उना नू बंधन विच नहीं पांदा। ओ आजाद ने, ओ स्वतंत्र ने, हर वक्त मुक्ति दा आनंद माणदे ने। कहिंदे ने आजादी स्वतंत्रता तो वड्डा कोई होर रस नहीं, आनंद नहीं। लेकिन गुलामी तो परतंत्र होण तो ज्यादा कोई दुख भी नहीं। ते कर्म ही परतंत्र कर देन, कर्म ही गुलाम बना के रख देन, ते मनुख कर्मां दे बंधना दे ची जकड़ के रह जाए तो बहुत दुखी होंदा है, बहुत दुखी होंदा है। साहिब कहिंदे ने जो परिपूर्ण परमात्मा नूं मन लैंदे ने और जिन्हां दे अंदर ये निजी अनुभव पैदा हो जांदा है, कोई भी कर्म उन्हां लई बंधन नहीं बनता। प्रथम वो ऐसे कर्म करदे ने जो अपने लई ते दूसरियां लई हितकर होंदे ने, और दूजा ऐसा वो कोई कर्म करदे ही नहीं जो कर्म ही रोक बन जाए, बंधन बन जाए। जो जो कर्म कियो लालच लग, तें तें आप बंधा आयो। जिड़ा जिड़ा कर्म लोभ वस होके कीता, जिड़ा जिड़ा कर्म हंकार वस होके कीता, वो ते बंधन बन गए। पर जो परमात्मा दे नाम नूं मन लेंदे ने, ते जिन्हां दे अंदर बोध उजागर हो जांदा है, उन्हां दे सारे कर्म ईश्वरी कर्म होंदे ने। वो हंकार करके नहीं करते। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। वो कर्म करके कर्म दे करता नहीं बनते। असी कीता है, असी कीता है, ऐसा भाव उन्हां दे अंदर नहीं पैदा होंदा। श्वास अपने आप चल रहे ने, हिरदे की गति अपने आप चल रही है, खून नसां दे अपने आप चल रहा है। सुते स्थित उन्हां तो जो कर्म होंदे ने वो शुभ ही होंदे ने, और कोई कर्म उन्हां नूं बंधना दे च नहीं पांदा। वो सदा मुक्त होंदे ने। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे साधार। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, परिवार भी उन्हां तो प्रेरणा लैंदा है, और वो परिवार दा भी आसरा बन जांदे ने, अपने कुल दा भी आसरा बन जांदे ने। मन्ने तरे तारे गुरसिख। जो परिपूर्ण परमात्मा नूं मन लैंदे ने, सिखिया नूं ग्रहण कर लैंदे ने, ऐसा जो सिख है आप ते तरदा है, लेकिन उसनूं देख के होर भी कई तरदे ने। उन्हां तों प्रेरणा लेके होर भी कई उस मार्ग ते चल पैंदे ने। मन्ने नानक भावे ना बिख। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, वो भिखारी नहीं फिरदे, वो ते बादशाह हो जांदे ने, वो ते महान हो जांदे ने। वो जहरीले मार्ग ते नहीं चलदे और वो भिखारी नहीं रह जांदे। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। परिपूर्ण परमात्मा दा नाम ऐसा अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, निर्लेप है। जिहड़ा उसनूं जानदा है ओही जानदा है, जणा नहीं सकदा।
खुद ओ निर्लेप होके जीवदा है परिपूर्ण परमात्मा देच जगत दी कोई कालक कोई दब्बा उसनू व्यापदा नहीं। जैसे दर्पण दे तरह तरह दी छाया चेहरियां दी बन रही है पर दर्पण किसे नू पकड़दा नहीं। दर्पण निर्लेप है, शीशा निर्लेप है, लेकिन कैमरे दी फिल्म निर्लेप नहीं है। उसके सामने जो कुछ आएगा उसनू पकड़ लेगी, उसका हिस्सा बन जाएगी, वो फिल्म उसका रूप बन जाएगी। पर दर्पण तो निर्लेप है, दर्पण की अपनी होंद बनी रहती है, तरह तरह की छाया उस दे च बनती रहती है। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नू मन लेंदे ने वह निर्लेप होके जीवदे ने। जगत का कोई बंधन उन्हां नू नहीं पैंदा। पर ये रस जो जान लेंदे ने, जान लेंदे ने, जना नहीं सकते। यही कारण है कि धार्मिक जगत दे च इतने भगत होए, इतने अवतार होए, लेकिन शक ते मौजूद है, अश्रद्धा ते मौजूद है। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। भावें इतने अवतार आए, इतने संत होए ने, इतने भगत होए ने, इतने धार्मिक ग्रंथ ने, लेकिन शक मौजूद है, संसा मौजूद है, नास्तिकता मौजूद है। मनना बहुत औखा है, भरोसा करना बहुत औखा है। और एक दफा भरोसा बच जाए, कोई मन ले, तो खुशियां दे, आनंद दे, रस दे, सारे द्वार खुल जाते ने। और पहली दफा उसनु पता चलता है कि जीवन जो एक जर्रा सी इते सूरज हो गया, जो एक बूंद सी इते सागर हो गई है, ये जो तुच्छ सी ये महान हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनण वालियां दे संबंध विच इन्हां चार पौड़ियां विच महिमा गायन कीती है। और कहिंदे ने महिमा गायन हो ही नहीं सकती, बयान कीता ही नहीं जा सकता।